हेलो गाइस, राधे राधे, मोस्ट वेलकम। तो गाइस, सर्दियां आ चुकी हैं और बच्चे फ्राइड खाने का बहुत डिमांड करते हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी। तो ये परफेक्ट रेसिपी है एकदम। तो मैंने कढ़ाई ले ली है, अब मैं तैयारी में लग गई हूँ। कढ़ाई में डाल दिया जीरा और काफ़ी मतलब तेज़ गरम कर रखा है तेल। हरी मिर्च, प्याज, ये सब मैंने डाल दिया है और डाल के मैं अच्छे से इसको भून लूँगी। और ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि ब्रेड पकौड़े में हल्का सॉटे ही करना रहता है। और उसके बाद में मैं इसको एक दो बार अलट पलट के प्याज को घुमा दूंगी और ताकि ये पिंक सी हो जाए। उसके बाद मैंने हींग डाल दी है। हींग डालने के बाद फिर से मैंने इसको हिला दिया है और उसके बाद ये लगभग हो ही चुकी है। और मैंने ऐड कर दिया इसमें अदरक कद्दूकस करा हुआ, और सर्दी में अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा जाता है, तो ज़रूर से ज़रूर डालें। और उसके बाद मेरे पास ये पोटैटो मतलब आलू रखा था बॉईल करा हुआ, तो मैं कुछ आलू ले लूँगी जितना मुझे ज़रूरत है। तो बस मैं इसको मैश कर लूँगी हाथ से, आप चाहें तो मैशर से भी कर सकते हैं। तो ये आलू गर्म है तो हाथ से काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे। उसके बाद मैंने आलू ऐड कर दिए, और आलू ऐड करने के बाद कुछ स्पाइस मतलब कुछ सूखे मसाले ऐड करने हैं। तो अब मैं आगे आपको दिखाऊंगी क्या क्या मैं ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैंने लाल मिर्च ऐड कर दी है, और लाल मिर्च के बाद धनिया पाउडर, और बहुत थोड़ी सी हल्दी, बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और ये है गरम मसाला। तो गरम मसाला डालने के बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, वो दिख नहीं रहा, मैं पैकेट से ही डाल रही, लेकिन चाट मसाला मैंने आधा चम्मच लगभग डाला है। और उसके बाद मैं नमक ऐड करूंगी क्योंकि अभी तक मैंने नमक नहीं डाला था। और चाट मसाला अगर नहीं हो घर में तो फिर खटाई पाउडर ऐड कर सकते हैं आप। और उसके बाद में मैंने आधा नींबू ले लिया और पूरा नींबू निचोड़ दिया है, जो आधा नींबू है पूरा निचोड़ दिया अच्छे से, और काफ़ी जूस था उसमें। और इसकी खटास बहुत अच्छी आती है इसमें, क्योंकि ना टमाटर यूज करो तो ये आलू का जो वो रहता है ना मिट्टी, वो पतली हो जाती है, इसीलिए नींबू या अमचूर का ही यूज करें। उसके बाद इसे दबा दबा के अच्छे से भून लें लाल करके, ताकि खूब अच्छी सी खुशबू आने लगे आलू से, और जो गुठली होंगी वो भी हमारी इस तरह से फूट जाएंगी। पहली बात तो रहती नहीं है, लेकिन अगर हों तो वो भी फूट जाएंगी। और ये पता नहीं कैसे एकदम अंधेरा सा हो गया था। और उसके बाद में मैंने धनिया ऐड कर दिया है। धनिया ऐड करने के बाद में मैं इसको अच्छे से चला दूंगी। ये लाइटिंग भी कोई प्रॉब्लम हो गई लग रहा है, एकदम से अंधेरा सा हो गया था। तो मैं धनिया ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद में इसको मैं थोड़ा ठंडा कर लूंगी और गैस को कर दूंगी बंद। तो मैंने ये बेसन ले लिया और इसको मैंने घोल कर पहले ही रख दिया, तो केवल इसमें मैंने नमक डाल के घोला था। देखो आप, इस तरह से कुछ है जो कि चम्मच पर लग रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसमें मतलब ऐड कर लेती हूँ जो मुझे ऐड करना है। तो ये लिया मैंने अजवाइन, तो अजवाइन को हथेली से रगड़ के मैं इसमें डाल दूँगी, और अजवाइन का भी बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आता है। और हल्का सा नमक डाला है क्योंकि पहले नमक मैंने बहुत थोड़ा सा डाला था, थोड़ी हल्दी, थोड़ा मिर्ची, बहुत ही थोड़ी थोड़ी डाली है, क्योंकि सब चीज़ में अगर डालते हैं तो बहुत ही केयरफुल डालनी पड़ती है। उसके बाद चम्मच से एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में फिर बस हमारा रेडी है बैटर पकौड़े तलने के लिए। तो मैंने ये कुछ ब्रेड ले लिए, और ब्रेड मुझे छोटी साइज की मिली, तो अगर आपके पास बड़ी हो तो बड़े से बनाना। और उसके बाद मैं चाकू से कट कर लूँगी ब्रेड को। तो ये हो नहीं रहा था, मुझे लग रहा कभी टूट ना जाए ब्रेड, तो बस मैं पहले दो करके रख दी थी, और ब्रेड तो ताज़ा थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था कभी टूट गई तो ख़राब हो जाएगी, फिर मैंने बाद में काट दी थी इस तरह से पीसेस में। अब बस मेरे रेडी हैं, अब मैं इसको पहले तैयार करके रख दूँगी। तो इसको हाथ या चम्मच की मदद से इस तरह से ब्रेड से आलू के जो मसाला है उसे अच्छे से फिल कर लें, इस तरह से कि दबा दबा के ये निकले नहीं। और काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा मैं भर रही हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा लगाओ तो फिर उसका टेस्ट नहीं आता। उसके बाद इसको इस तरह से पैक कर दें दोनों तरफ से, इसी तरह से मैं सब रेडी कर लूँगी। और रेडी करने के बाद अगर कोई काम करते हैं तो जल्दी से हो जाता है, फिर टाइम नहीं लगता। बस इस तरह से मैंने सब रख ली है।
काफी ऑयल डाला है मैंने। तो उसके बाद में मेरा तेल भी काफी अच्छे से गर्म हो गया, तो अब मैं तलने के लिए रेडी हूँ एकदम। दबा जरूर दें ताकि ये तलते समय खुले नहीं, और इस तरह से दबाने से खुलता भी नहीं है और बहुत अच्छे से तला जाता है। तो बस मैं आलू थोड़ा सा डाल के देखी हूँ तेल में कि टेम्परेचर कितना है। तो बस मेरा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है और इस तरह से मैं कर दूंगी इसमें। तो मैं चम्मच से डाल रही थी लेकिन चम्मच से ब्रेड टूट रही क्योंकि काफ़ी भारी हो गई थी, तो उसके बाद में फिर मैंने हाथ से डाली। तो अगर आप डाल सकें तो चम्मच से डाल लें, लेकिन मुझे हाथ से ज़्यादा अच्छे से लगता है क्योंकि टूटता नहीं है। और बस मैं एक एक करके डाल दूंगी और मेरे अच्छे से तल जाएंगे। आप बेसन ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखें और ज़्यादा पतला भी नहीं रखें, क्योंकि पतला रखते हैं तो वो टपक जाता है एकदम से और ब्रेड पर टिकता नहीं है, मतलब सारा निकल जाता है जो भी रहता है। तो इनको मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तलूंगी, और मीडियम आँच है, फुल नहीं है, मैंने कम कर रखी है गैस को। आप देख सकते हैं हाफ पे है उसका जो बटन है, तो कमी पे तलें क्योंकि हाँ अगर फुल पे तलते हैं तो ऊपर ऊपर से कलर आ जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। तो बस मैं इसको निकाल लूँगी। और ठंड में ना ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती हैं और काफ़ी डिमांड करते हैं, तो ये आपके पास अच्छा ऑप्शन है, आप बना सकते हैं जल्दी से बच्चों को। तो आज तो मैंने वीडियो इसलिए बड़ा कर दिया क्योंकि पूरा डिटेल में दिखा रही हूँ, नहीं तो उतना टाइम नहीं लगता है। मैंने एक बार का निकाल लिया है तल के, दोबारा का वैसे डाल रही हूँ, तो लगभग ये रेडी होने वाला है। डाल दिया है, बस अब मैं चटनी बनाने की तैयारी करती हूँ। तो चटनी में मुझे क्या क्या जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने हरी मिर्च डाल दी है, उसके बाद कुछ अदरक के पीसेस डाल दिए हैं, और एक बड़ा सा टमाटर ले लिया है तो वो भी कट करके डाल दिया इसी में। और टमाटर हरे धनिए की चटनी काफ़ी टेस्टी लगती है, तो बस ये धनिया भी कट करके इसी में ही डाल दूँगी। और लास्ट में क्या डालूंगी तो देखते रहना, बने रहना वीडियो में। तो धनिया भी मैं कट करके इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जल्दी पिस जाता है, अगर बड़ा बड़ा डाल दो तो तेल लगाता है ये। और आजकल तो बहुत फ्रेश धनिया आ रही है तो चटनी बहुत अच्छी बनती है। तो सबसे लास्ट में मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी नमकीन, नमकीन से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आपके पास जौन सी भी नमकीन घर में हो वही आप यूज़ कर सकते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ, और नमक नमकीन में तो रहता ही है तो आप थोड़ा केयरफुली डालें। और देखो मेरी चटनी एक अच्छी सी बनकर रेडी है, काफ़ी टेस्टी सी चटनी बनी थी। तो थोड़ा मोटी लग रही, मैं और पीस देती हूँ। और देखो कितनी अच्छी चटनी बनी है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। और नमकीन डालने से ना एकदम ठीक रहती है, ये जो पानी है वो रिलीज नहीं करती। तो सब कुछ मेरा रेडी है, तो कर देते हैं प्लेटिंग और खाने वाले एकदम रेडी हैं, गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। आप लोगों को बताना कि कैसी वीडियो लगी और कमेंट ज़रूर करना अच्छे अच्छे से। तो देखो ये काफ़ी अच्छे से अंदर तक सीख गया है और बहुत ही टेस्टी बने थे, एकदम डिलीशियस वाले ब्रेड पकौड़े बने थे। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं देखने में, जो चीज़ देखने में अच्छी होती है तो खाने में जाहिर सी बात है अच्छी सी होती है। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।